नमस्कार आदाब, मैं अर्जुन आपका डेली हिंदुस्तान न्यूज़ पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। इस वक्त मैं गुंदो में हूँ और आपको बहुत बड़ी खबर देने जा रहा हूँ। चिल्ली भलेसा से हमारे पास एक खबर आ रही है, एक टीचर हैं जिनकी मौत हुई है, गवर्नमेंट टीचर थे ये, आइडेंटिफाइड शबीर अहमद इनका नाम था, सनाब नूर महमद आर्य चिल्ली के रहने वाले ये हैं और तहसील गुंदो डिस्ट्रिक्ट डोडा से इनका ताल्लुक है। रात को जो है कहा जा रहा है वहाँ के लोगों के द्वारा किसी अननोन व्यक्ति ने उन्हें चौथी मंजिल से नीचे फेंका है और जीएमसी डोडा इनको रेफर किया गया था, जहाँ पर डॉक्टरों ने इन्हें जो है डेड घोषित किया है, जिनकी मृत्यु हो गई है। और इस समय लगातार आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि चिल्ली में लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कातिलों को बाहर निकालने के लिए जो है बार बार गुहार लगा रहे हैं सरकार से। तो एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है चिल्ली के अंदर, जहां पर एक अध्यापक हैं जिन्होंने जो जिनकी मृत्यु हुई है, रात को कहा जा रहा है कि चौथी बिल्डिंग से इनको फेंका गया है और किसी अननोन व्यक्ति द्वारा इसको फेंका गया और इनकी डेथ हो गई है। एक बार फिर से मैं आपको इनका नाम बता दूं, शबीर अहमद इनका नाम है, सनाब नूर मोहम्मद आरो चिल्ली बाला के रहने वाले थे ये, पेशे से टीचर हैं, अध्यापक हैं, गवर्नमेंट टीचर थे और इनकी मृत्यु हो चुकी है जीएमसी डोडा लेते समय। तो एक बहुत बड़ी खबर इस वक्त आ रही है हमारे भलेसा से, चिल्ली इलाके से, जहां पर बीती रात को एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है और इनकी मृत्यु हो चुकी है, जो तस्वीरों में आप साफ देख पा रहे हैं। हमारी भी यहाँ गुंदो एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस विभाग से इंतजार रहेगी कि इस मामले में जो है संज्ञान लिया जाए और तफ्तीश की जाए इसमें और जो कातिल हैं, अगर इनके साथ इस प्रकार हुआ है तो उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और उम्मीद है कि डिस्ट्रिक्ट प्रशासन भी इस पर कड़े से कड़ा नज़र रखेगा और इनके कातिलों को ढूंढने में पूरी मदद करेगा। आप सभी लोगों का डेली हिंदुस्तान देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।